नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी विधायक राजू सिंह, जिनकी मुश्किलें पहले बढ़ गई थी लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है, जिसके बाद अब उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया है। फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने बड़ी बात लिखी है। आपको बता दें कि फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने साफ साफ कहा कि एक तरफा कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही थी। इस कार्रवाई में जिन लोगों ने समर्थन किया है उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कई सारे लोगों को धन्यवाद दिया है उन्होंने। बीजेपी सांसद अजय निषाद हो, चाहे पूर्व मंत्री अजीत कुमार हो, इसके अलावा बीजेपी के जिलाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को भी धन्यवाद दिया गया है। कई सारी बातों को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बीजेपी जो विधायक हैं उन्होंने लिखा है। उन्होंने साफ साफ लिखा, कैसे धन्यवाद करें, आप सबका अल्फाज नहीं मिलता, ये सफ़र इतना आसान नहीं होता यदि आप सबका साथ नहीं मिलता। साहिबगंज सहित संपूर्ण प्रदेश के प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सब प्रेम नमस्कार। बीते कुछ दिनों से मेरे ऊपर शासन और प्रशासन के चल रहे एक तरफा कार्रवाई में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे लिए अपना साथ और समर्थन दिखाया है, उससे मैं हर्षित तो होता ही हूँ, साथ ही भावनात्मक भी होता हूँ। मुझे लगा कि मैं ही नहीं, आप सब भी मेरे लिए लड़ रहे हैं। इस चिल्लाती धूप भीषण गर्मी में आप सभी ने जिला से प्रदेश से विभिन्न जगहों पर पुलिसिया अत्याचार और इस जंगल राज को पुनः बढ़ावा देने वाली निकम्मी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आप सबने हमारी ताकत बनने का काम किया। खासकर बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री बड़ी बहन श्रीमती रेणु देवी जी, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, सांसद अजय निषाद, पारूर के माननीय विधायक अशोक सिंह, बरुराज के विधायक अरुण कुमार सिंह, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महानगर के पूर्व लोचपा के नेता भाई, कई सारे लोगों को, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत जल्द पहले की भांति अब सबके बीच रहूंगा और आने वाले दिनों में अपनी आय की राजनीतिक रणनीति साझा करूंगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सबों का साथ ऐसे ही मिलता रहेगा और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखें और शांति रखें, बनाए रखें। ये तो बस अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। सब्र के से काम लो, तोड़ना मर्यादा लो, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है और साफ साफ लिखा है धैर्य और शांति बनाए रखें। तो बीजेपी विधायक राजू सिंह ने फेसबुक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कई सारी बातों को कहा है, अपनी राजनीतिक रणनीति को साझा करेंगे और जल्द पहले की भांति बीजेपी विधायक राजू सिंह आएंगे, उन्होंने साफ साफ फेसबुक पोस्ट के माध्यम से लिखा है। तो देखना दिलचस्प होगा अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। हालांकि पटना हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली है, आरजेडी नेता के अपहरण मामले में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगी हुई है। तो अब देखना होगा कि तत्काल रोक जो लगाई गई है वो आगे कब तक रहती है। तब तक के लिए बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।